4B तक तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, 4B। नेक्स्ट आते हैं 4C, 4C को देख लीजिए कैसे करना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 7 का 0 से मल्टीप्लाई, हमने कल बताया था किसी का भी हम 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 0 ही मिलता है, ठीक है। 1 का 1 से करेंगे, 1 जा 1, 10 जा 10। अब देखो 1 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 9 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, 9 1 जा 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है। 6 3 जा, यहाँ देखो 6 3 है, ठीक है, इसको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जब 6 और 3 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जस्ट 6 लिखा है तो यहाँ 3 लिख देंगे। जैसे प्रॉपर्टीज़ में 3 मल्टीप्लाई बाय 6 है तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, यही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, दोनों सेम ही आंसर आते हैं, बट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे अब आप बताइए 4, यहाँ लिख दीजिए 5 बिकॉज यहाँ 5 है, और यहाँ लिख दीजिए 4, आंसर आ जाएंगे, ये प्रॉपर्टीज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे 7 है तो यहाँ क्या मिसिंग है, 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ मिसिंग वाला नहीं है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, 0 से, यहाँ 0, बाकी सब आप फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 4D पे, 4D का क्वेश्चन है, स्किप काउंट बाय 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड नंबर्स ऑफ जंप्स। दिख रहे हैं यहाँ पे मंकी है और यहाँ बनाना है, मंकी को बनाना लेने के लिए उसे पूरा जंप करके जाना पड़ेगा, फिर बनाना ले आ पाएगा। यहाँ जंप ऑफ 2 बोल रहा है ना, यहाँ ये क्वेश्चन आपको दे देगा जंप ऑफ 2, यानी ये 2 जंप करके जा रहा है, 0 से 2 जंप किया, फिर 2 जंप किया, फिर 2 जंप किया, तो आप जंप कराते जाओ बनाना तक करा दो। तो देखो कितना जंप किया, 1 2 3 4 5, यानी हमने लिख दिया 6 जंप ऑफ 2, और कितना कितना ये जंप कर रहा है, 2 2, तो यहाँ 2, तो 6 2 12। टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा, टेबल लर्न करिएगा। फिर यहाँ है तो यहाँ बनाना से यहाँ भी जंप ऑफ 2 है, तो यहाँ पे फिर से 2 जंप करा दिए, फिर 2 जंप करा दिए, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ये 2 का जंप कर रहा है, कितना बार किया, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 जंप्स किया, तो 5 जंप्स ऑफ 2, तो यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज 2 जंप कर रहा है, 5 2। इसी तरह आपको सेम करना है सारा क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके से सारा करना है। दूसरा है फाइंड द डबल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड द डबल ऑफ द फॉलोइंग बोल रहे हैं, तो डबल ऑफ 3, डबल ऑफ 3 का मतलब 3 2 टाइम, और इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, ये जितने टाइम्स होते हैं उसको पहले 6, बाकी सब सेम ऐसे, 8 भी 2 बार है तो 8 + 8, इसको आप कॉपी में करिएगा, 2 × 8 = 16, ठीक है। देन इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल कंप्लीट करना है, 2 1 1 का 2 से करेंगे तो 2 2 1 जाए, ये देखो प्रॉपर्टीज़ लगाया है, 1 × 2 और फिर = 2 × 1, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, = 2 होता है, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ये सब आपको फील करना है, ठीक है। यहाँ ऑर्डर प्रॉपर्टीज देखिए, 3 है 2 है, तो यहाँ 2 पहले लिखा तो फिर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ देखिए 2 है 4 है, तो पहले 2 लिखा है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे यहाँ 4 होगा पहले, ठीक है। इसी तरह आप सारा भरिएगा, ठीक है, हाँ करिएगा, टेक केयर।